नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के धाम में भक्तों के लिए नए व्यवस्थाओं का ऐलान किया गया है। ये बदलाव खास तौर पर सुगम दर्शन और प्रसाद की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, यानी अब भक्तों को ज्यादा सुविधाएं और सरलता से बाबा के दर्शन हो सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। निर्माण के समय मंदिर के शिखर पर लगभग 800 किलो सोना चढ़ाया गया था। ये हिंदू आस्था का एक बड़ा केंद्र है, तो ऐसे में अगर आप वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो पहले ये बातें जरूर जान लीजिए। तो बात कुछ ऐसी है कि पहले सुगम दर्शन के लिए भक्तों को 300 रुपए का टिकट लेना पड़ता था, जिसमें से 250 रुपए का दर्शन शुल्क और 50 रुपए का महाप्रसाद शामिल था। लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब भक्तों को केवल 250 रुपए का टिकट लेना होगा, यानी महाप्रसाद के लिए राशि का भुगतान करना जरूरी नहीं होगा। इसी कड़ी में काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि इस बदलाव का उद्देश्य भक्तों को बेहतर सुविधा देना है। तंदुल प्रसाद की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब ये प्रसाद भक्तों को अमूल के काउंटर से ही मिलेगा। पहले ये महाप्रसाद 100 ग्राम के पैकेट में उपलब्ध था, लेकिन अब इसे 200 ग्राम के पैकेट में उपलब्ध कराया जाएगा। इस 200 ग्राम के तंदुल प्रसाद की कीमत 120 रुपए होगी, जिसे बनास डेयरी तैयार कर रही है। इस नए तंदुल प्रसाद को एक खास फॉर्मूले से बनाया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी बनास डेयरी को सौंपी गई है। ये प्रसाद बेलपत्र, चावल के आटे, ड्राई फ्रूट्स और देसी घी से तैयार किया जाता है। इसे बनाते समय शुद्धता का खास ध्यान रखा जाता है। ये भी बता देते हैं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मांस पाया गया था, जिसके बाद खूब बवाल मचा था। अब इससे बचने के लिए काशी के मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए केवल सनातन धर्म से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया है, जो स्नान के बाद इस कार्य को करते हैं, यानी भक्ति के साथ साथ शुद्धता पर भी ध्यान दिया जाएगा। इन दोनों बदलावों के बाद से भक्तों के अनुभव को और ज्यादा बेहतर किया जा सकेगा। सुगम दर्शन की कम लागत और तंदुल प्रसाद की नई व्यवस्था, ये दोनों ही चीजें भक्तों को और ज्यादा सुविधा देगी। ये बदलाव बाबा विश्वनाथ के प्रति श्रद्धा और भक्ति को और गहरा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकलिटी।